के लिए हमारे मन से कहीं ज्यादा हमारा शरीर है ना, तो ये लीजिए, आपका हमारा रिश्ता सिर्फ इतना ही भर है ना, आपका जो मन करे हमारे साथ कर लीजिए। आज हम आपसे शर्त लगाते हैं, अब आप हमारे पास आएंगे हमारे करीब आने के लिए, और ये बात का ध्यान रखिएगा धर्मपत्नी जी, आपको मजबूर कर देंगे ऐसा करने को। देख लीजिए कहीं आप शर्त हार ना जाएं। वो कहा है ना, आपके अम्मा से बात हुई थी, तो हमें बताएं कि आपको सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, तो बस हम ले आए। लीजिए 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 लीजिए, चाय पीजिए। क्या बात है पतिदेव, आज तो हम आपके दीवाने ही हो गए। आप हमसे हमारी जान भी मांगते ना, आज हम वो भी प्लेट में सजा कर दे देते। अरे बल्ली भाई, आज तो ना मजा आ गया, हमारा पहला तीर एकदम निस्तारे पर जाके लगा है। अच्छा माधव भैया, एक बात बताइए, जो नुस्खा है ये कंचन पर भी चलेगा? कंचन पर? एक बात बताओ, कंचन पर ही नुस्खा काहे अपनाना है? भैया वो का है ना कि शुरू शुरू में ना हमको वो कंचन एकदम ही अच्छी नहीं लगती थी। का बना रही हो? आज तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अरे तुमको मालूम भी है हमारे माधव को ना ये कटहल की सब्जी एकदम ही पसंद नहीं है। जौन दिन भी ये बना है ना, वो दिन वो तूफान खड़ा कर देता है। कितना बार तो थाली फेंक चुका है। हाँ भैया वो तो ठीक है, लेकिन आपको ना सब कदम बहुत ही संभल संभल के चलना होगा। वो का है ना कि कहीं अगर भाभी को पता चल गया ना तो हमरी तो सामत आएगी, पर ये जो दूसरा कदम है ना ये आप पर ही भारी पड़ जाएगा। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम कह रहे हैं ना तुम्हारी भाभी को ना कछु पता नहीं चलेगा। अरे साली साहिब, आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? हम वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई? हाँ और का, अब हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। अरे आपने तो कहा था कि पढ़ाई करो, तो वही कर रहे हैं। अब अच्छा बल्ली भाई, हमका ना कुछ काम है, हम अभी आते हैं। अरे बल्ली तुम अच्छे से पढ़ना जी। अब लीजिए ना, पढ़ाई हमने बल्ली भाई को। तुम और पढ़ाई, तो क्या क्या पढ़ा तुमने जरा हमें भी बताओ, तुम क्या क्या जानते हो? अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ तुम जाओ यहां से, हमको भी बहुत ही पढ़ाई करना है और हमारे पास समय नहीं है, जाओ। अरे तुमको समझ में नहीं आया क्या, दिमाग नहीं तुम्हारे अंदर? जाओ यहां से। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें दिखानी पड़ेगी झांक। बढ़िया ही जासूसी करने वाली दीदी। दीदी शाबाश बल्ली बेटा। भाई वाह, खुशबू तो बढ़िया है। हाँ बटके बाबूजी, पता है सरोजा को ना उसकी माँ ने खाना बनाना सिखाया है, इसीलिए ना वो सब कुछ बहुत ही अच्छा बना लेती है। अरे अरे ये का है?
बोलने से पहले आप ये चिट पढ़ लीजिएगा। जो भी बनाए उसको खुश होकर खाइए, बदले में किस मिलेगा। ये कटहल का कोफ्ता ये सब हम नहीं खाते हैं, पता है ना आपको। काहे बनाई है, आप ही खाइए भाई, आज खाना हम नहीं खाएंगे। माधव माधव, माफ कीजिएगा अम्मा जी, हम उनकी पत्नी हैं और हम उन्हें 4 दिनों में सही रास्ते पर ले आएंगे। अगर आप लोग को खाने में कोई कमी लग रही हो नमक वगैरह की तो हमें बता दीजिए। अरे ना बहू, अरे हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे 5-स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। का अब तो सोचे भी नहीं थे कि कटहल का सब्जी इतना अच्छा बन सकता है। ये बात तो है भैया। बहू, तने जाए करके अपनी मंजू दीदी का हाल भी पूछ ले। सारा दिन अकेले कमरे में पड़ी रहती है, जाओ जाए करके उसका खाना देकर आओ। जी अम्मा जी। दीदी, हम आपके लिए पनीर की सब्जी और दाल लेकर आए हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा और बच्चे के लिए भी। कैसे बोले इसको यहाँ से जाने के लिए, अगर इसका साया भी पड़ा तो हमारे बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। क्या हुआ दीदी? पर हम तो खाना खा लिए। पर कब खाएं? हम तो ये सब आपके लिए बनाए थे। बहुत पहले खा लिए। तुम जाओ और जाके दूसरों का ध्यान रखो। अरे मंजू दीदी, ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? हमको जानना पड़ेगा। ठीक है दीदी, आपको कुछ और चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो हमको बुला लीजिएगा। हे भगवान, भूख के मारे तो हमारी जान ही निकल रही है। अरे मंजू दीदी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है का? नहीं तारा, भूख के मारे हमारी जान निकल रही है। तो खाना तो यही रखा है, खा लीजिए ना। नहीं, इसमें तो मक्खी गिर गई है ना। तुम जाके दूसरा ले आओ ना किचन से। हाँ ठीक है दीदी, हम अभी लेकर आते हैं। दीदी, ये सब खाना किसके लिए परोस रही हैं आप? अरे सरोजा, ये सब ना हम मंजू दीदी के लिए ले जा रहे हैं। कहे ना, उनको बहुत जोर से भूख लगी हुई है और पता नहीं
उनका खाने में मक्खी कहां से गिर गया था? मंजू दीदी ने तो कहा था कि खा लिया है, फिर ये लाइए दीदी, हम परोसे थे। खाना तो बहुत ही अच्छा बना, जरूर अम्मा जी और चाची जी बनाई होंगी। अरे नहीं दीदी, ये खाना ना सरोजा बनाई है और उसी ने आपके लिए हमको परोस के दिया है सारा खाना। अरे क्या हुआ दीदी? हे पापा, अब हम क्या करें? कुछ नहीं तारा, बस ऐसे। तुम हमारे लिए एक गिलास पानी ला दोगी? हाँ हाँ, अभी पानी लाते हैं। हाँ, हम भी कितने बेवकूफ थे ना, चलो तारा से खाना मंगा ले। हे भगवान, हमारी रक्षा कर, हमारे इस बच्चे की रक्षा कर। हे भगवान, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। माधव भैया आप भी ना, अरे सारा मामला गड़बड़ा दिए आप, सारा प्लान चौपट कर दिए। आपको भाभी के सामने भाव खाना था, लेकिन तारा भाभी हमको बताई कि आप कटहल खा रहे थे, वो भी मजे ले लेके। अरे यार बल्ली, अब हम तुम्हें कहां बताएं कि सच कहे ना, हमें जिंदगी में कटहल कभी इतना स्वादिष्ट लगा ही नहीं, तो हम क्या करते यार अब? माधव भैया, अब ना आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी करना है ना भाभी ही करेंगी। क्या मतलब? अरे भाभी को पता चल गया है कि आप उनके गुलाम बने घूम रहे हैं। सुरा समझ नहीं आ रहा है कि उनको बताया कौन। अरे माधव भैया, कहीं कंचन तो नहीं बता दी? उसको ना हम मजा चखा के रहेंगे। हाँ अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, अब हम तुम्हें कहा बताए कि हम कटहल काय खाए थे? अब तुम नहीं समझोगे, तुम बस ये ध्यान रखो कि जो हम सोचे थे ना, वो प्लान उसी हिसाब से चल रहा है, तुम बस परेशान मत हो, समझे? माधव भैया आपको याद है ना कि आप भाभी का कसम खाए थे कि अपने प्यार से भाभी को अपनी तरफ खींच लेंगे। हाँ यार, बात बताएं, हम तुम्हारी भाभी को ना प्यार से खींचेंगे।
धर्मपत्नी जी, देखिए हम शरद जीत गए, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। हाँ लेकिन अगर आप मुकरना चाहती हैं तो पर्ची दी थी ना, हमारे दिमाग की तो हवाइयां उड़ गई थी। हमारी धर्म पत्नी जी भी कितनी तेज निकली, हम तो ये सब आपके और हमारे बीच तालमेल बनाने के लिए किए थे कि जब आप कुछ बोले हम कर लें और जब हम कुछ बोले वो आप कर लें। सचमुच हम भी तो यही चाहते हैं। ये लीजिए, हमने जो आपको प्रॉमिस किया था के लिए समय है। Thank you.
मंजू दीदी, आपको बुखार तो नहीं है? आपका तो शरीर भी ठंडा है, क्या हुआ आपको? आपको घबराहट हो रही है क्या? नहीं, मेरा बच्चा कुछ नहीं होने देंगे, चाहे जो भी हो जाए, मेरा बच्चा। माई, हमको लगता है कि मंजू दीदी को ना भूत पकड़ लिया है। हमारे गांव में ना राम आश्रय की बीबी को ऐसे ही भूत पकड़ लेता था, तो वो भी ऐसे ही ना नींद में बड़बड़ाती रहती थी। तुम लोगों की डॉक्टरी खत्म हो गई हो तो सच्ची वाले डॉक्टर को बुला लिया जाए। माधव जी। अम्मा। बेटा तनी जाओ, जा करके बाबूजी से कहो कि डॉक्टर बुला लाए जल्दी से। जाओ जी। अम्मा बिला। बाकी अम्मा, हम सच्ची कह रहे हैं, हमको लग रहा है कि इनको किसी भूत ने पकड़ लिया है। इनको ना किसी ओझागुनी को दिखाना चाहिए। तारा दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भूत भूत कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि मंजू दीदी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। हे भगवान, इतना देर हो गया कि डॉक्टर नहीं आया अभी तक। डॉक्टर का आना कितना जरूरी है। नहीं दीजिए, चिंता मत कीजिए, बस वो लोग अभी आते ही होंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। और बच्चा नहीं होना ही चाहिए ठीक। हमारे पोते कछु नहीं होना चाहिए।